आखिर अम्बेडकरवाद और मनुवाद है क्या? तो मनुवाद एक शब्दों में लीला है, एक शब्दों में मनुवाद आस्था है, और आस्था का विज्ञान से लेना देना नहीं है। और हम लोग रह रहे हैं किसी युग में जहां पे हम मंगल पे जाने की तैयारी, तो फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन। और अंबेडकरवाद क्या है? अंबेडकरवाद विज्ञान है। करीब 2100 साल बाद जो लोग सत्ता में है, सत्ता में तो सत्ता के कई केंद्र होते हैं, मंदिर होते हैं, मठ होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, लेकिन अभी राजनीतिक सत्ता में है, वो पुष्पमित्र सुन के बाद पहली बार इतनी फुल फ्लो मेजोरिटी के साथ आपके ऊपर हुकूमत करते हैं। लेकिन ये आधुनिक युग है, अंबेडकर का युग भी है और तमाम वैज्ञानिकता का युग है, तो एक टकराव की स्थिति बनी हुई है, और खासतौर से ये विश्वविद्यालयों में। तो ये समझना ये टकराव होगा, रोहित मुला घटना नहीं है, संकेत वैचारिक द्वंद का मनुवाद बनाम अंबेडकर। आजकल मैं हर सभा में जहां जाता हूं तो वहां कुछ शेर व शायरी कर लेता हूं, तो इसी माध्यम से सोचता हूं कुछ अपनी बात एक दो कह दूं। न खींचो कमानों को न तलवार निकालो, न खींचो कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ये है अंबेडकरवाद। और मनुवाद क्या है? न खींचो कमानों को न तलवार निकालो, न खींचो कमानों को न तलवार निकालो, जब मुल्क संकट में है तो जुमला निकालो। जब समाज संकट में है तो कुंभ नहा लो। यही है मनुवाद। यह कारण नहीं है कि 2 किलो बीफ पकड़ा जाता है, वो बीफ है कि भी कि नहीं भी है यह पता नहीं, 2 किलो बीफ पकड़ा जाता है और पता नहीं 35 किलो की 30 किलो आरडीएक्स, अच्छा मुझे पता नहीं, कुछ भी मान लीजिए, 2-4 किलो ही मान लीजिए, एक्सप्लोसिव हाई प्रेसिडेंट रूल हाई सिक्योरिटी जोन में इतने बड़े काफिला में चला जाता है, ये क्या है मेरे समझ के परे? शहीदों को श्रद्धांजलि जरूर, ये कौन सी लीला है कि हमारे समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है कि 2 किलो बीफ के लिए इतनी सारी एजेंसीज लगी रहती है कि बेचारा इंस्पेक्टर सुबोध सिंह भी बने, मान लिया। तो सुबोध सिंह को मारने वाले वही लोग थे जो रकबर अखलाक जुनेद तमाम दुर्घटनाओं में जो शामिल है। तो ये लीला समझनी। साथियों एक बात आपसे साझा करना चाहता हूं कि मेरी पत्नी शालिनी मेरी एक अच्छी श्रोता भी है और मेरी शोधकर्ता भी है, तो जितना मैं कहीं बोलता हूं तो उसके पीछे उनकी एक भूमिका रहती है। और आज जब मैंने उनको सुबह कहा कि मुझे अंबेडकरवाद और मनुवाद को बोलना है, तो उन्होंने कहा कि हरिशंकर परसाई की एक किताब निकाली, उन्होंने कहा ये लेख पर लिखी, और उन्होंने बकायदा टिक मार्क लगा के और रखा हुआ है क्या क्या मुझे बोलना। तो मैं पढ़ तो नहीं पाऊंगा जबकि समय का अभाव है, लेकिन साथ साथ पढ़े लिखे लोग हैं, मैं पेज नंबर बता देता हूं। ये हरिशंकर परसाई की है निठल्ले की डायरी, पेज नंबर 86 से लेकर और 90 तक, 4-5 पेज का ये लेख है, और बड़ा दिलचस्प जो है कटाक्ष कि विश्वविद्यालय में क्या हो रहे हैं, क्यों है वैचारिक टेंशन बना हुआ है, भाई विश्वविद्यालय ही है, कलेक्टर बन जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, जज बन जाइए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो आपके ऊपर भी जज बैठे हुए मैं मुकदमा लड़ता हूँ, प्रोफेशनल कई मुकदमे लड़ता हूँ, मुझे पता है कि जुडिशरी कैसे काम करती है। लेकिन एक प्रोफेसर जो है, एक इंटेलेक्चुअल वाकई पब्लिक इंटेलेक्चुअल, जो लिखता भी हो पढ़ता भी हो बोलता भी हो
समाज के ताने बाने बारीकियों को समझता भी हो, हजारों नेताओं पर और हजारों ब्यूरोक्रेट नौकरशाहों पर भारी पड़ता है। इसलिए यह रोस्टर की लीला है, ये 30 पॉइंट रोस्टर की लीला है, ये जो है निर्धन जनों आरक्षण की लीला है, ये सब है खेल इसमें। तो ये लेख आप लोग जरूर पढ़िएगा, कभी अगर आधा घंटा वक्त रहता तो मैं इसमें थोड़ा चटकारे लेके और पढ़ पढ़ के सुनाता, उनकी व्याख्या करता, लेकिन वो समय आज नहीं। एक सुनाने के लिए कह रहे हैं तो भाई सुना ही देते हैं कि भाई पूछा जा रहा है कि रिसर्च क्या है, तो एमए करने से नौकरी मिलने तक का जो काम है उसे रिसर्च, वो दफ्तर जाने के पहले किया गया हरि स्मरण है। इसलिए अधिकांश शोध प्रबंध विष्णु सहस्र नाम है, यानी उनमें एक ही बात हजार तरह से कही जाती है। एक जो इंटरेस्टिंग है, जहां पे वैचारिक खेल है कि जो कैरेक्टर है उससे प्रसन्न हुए गुरु जी आचार्य, तनाव की हुए समझिए कि जो बाबा लोग बैठे हुए थे कैसे रिसर्च करवा रहे थे, और अब अम्बेडकर बाद में चर्चा हो रही है, फूले पे चर्चा हो रही है, बिरसा मुंडे पे चर्चा हो रही है, रमाबाई पे चर्चा हो रही है, फातिमा शेख पे चर्चा हो रही है, तो पता नहीं उस जागीर में जो है कहीं ना कहीं तनाव टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो गुरु जी क्या हुए, गुरु जी कहने लगे कुछ और कहानी सब है दिलचस्प है, ये तुम्हारे वो बेचारा न कायस्थ है और न ब्राह्मण है, लेकिन छात्र बड़ा निष्ठावान है। तो कहने लगे तुम्हारी निष्ठा से हम प्रसन्न हैं, हम तुम्हें डॉक्टरेट दिलवाएंगे, तुम रिसर्च शुरू करो, पर पहले रिसर्च का अर्थ समझ लो। इसका अर्थ है फिर से खोजना, यानी जो पहले ही खोजा जा चुका है उसे फिर से खोजना रिसर्च करना। जो हमारे ग्रंथों में उसे तुम्हें फिर से खोजना है। भारत के विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर हमारे विरोधी हैं, उनके ग्रंथों और निष्कर्षों को तुम्हें नहीं देखना है कि वो भक्ति का केंद्र है विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक टेंशन में नहीं, उनके नहीं देखना, क्योंकि तब तुम्हारा काम रिसर्च ना होकर सर्च हो जाएगा, रिसर्च ना होकर सर्च हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि विश्वविद्यालय ज्ञान का विशाल कुंड है, इसमें जितना ज्ञान भर सकता है उतना भरा हुआ है, पहले से जो बना हुआ है मनु बाबा का ज्ञान वो भरा हुआ है, लबालब है यह कुंड। इसमें अगर बाहर से ज्ञान लाकर भरा जाएगा तो यह कुंड फूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। हर अध्यापक और हर छात्र का यह कर्तव्य है कि इस कुंड में बाहर से ज्ञान जल न दे, वरना बांध टूटेगा और विनाश फैलेगा। ऐसे हर छेद पर उंगली रख के रहो जहां से ज्ञान भीतर घुस रहा हो। तो भाई अब तो यूनिवर्सिटी में कलियुग आ गया है, वर्ण संकट टूट रहा है, तरह तरह से खिड़कियां दरवाजों से हर छेद से अम्बेडकरवाद है, मनुवाद मुर्दावाद लग रहे हैं जेएनयू डीयू में हर जगह। तो ये है लीला कि जो बंद किए हुए थे कि गुरुजी प्रणाम करो जनऊ दिखाओ तब डिग्री देंगे, किसका कितना बड़ा है उसके हिसाब से तय होता था, तो अब टूट रहा है। देखिए कितना बढ़िया हमारे बहुजन साथी सब बैठा हुआ है, मयंक है, ज्ञान है, लक्ष्मण है, और मुझे भी देखिए स्टाइल में कभी नहीं। तो उनको रोज चुनौती देते हैं। तो ये रोस्टर लीला ये यही है कि ऐसे लोग आए पढ़ लिख के बाबू बन के चले जाए, लेकिन आंख में आंख मिलाकर बात ना करें, सवाल ना करें। अम्बेडकर वाद में सवाल करना सिखलाता है और मनुवाद में भक्ति करना सिखलाता है। बस चलते चलते हमारे अंदर बहुत सारे अंतर विरोध है, लेकिन मैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से बिलीव करता हूं। 49% आपसे सहमति नहीं है, लेकिन 51% सहमति है तो हम आपके साथ काम करेंगे। सारे साथी यहाँ बैठे हुए, कोई भी मंच कहीं बुलाता है ऐसा कोई मंच नहीं व्यक्तिगत रूप से जहां मैं अगर हूं इधर तो मैं जाता ना, हर जगह जाता,
क्योंकि कम से कम कुछ नहीं हुआ तो अपने नंबर तो बढ़ा देंगे, 99 होगा तो 100 को पूरा कर देंगे, सर्जरी तो करवा देंगे। साथियों जनऊ रोस्टर जो 48 घंटे में आ जाता है, जनऊ रिजर्वेशन ट्रिपल तलाक पे ऑर्डिनेंस आ सकता है, लेकिन आपके आरक्षण पे फाइल अभी घूम रही है। अखबार में हमने पढ़ा किसी संगठन ने अभी, किसी सबका संगठन है जो बोले वो 5 मार्च को भारत बंद का कॉल, और मैं इस कॉल के समर्थन में यहां खड़ा हूं। आपसी मतलब बुलाइए और आपके पास इस सरकार से, सरकार बहुत ईमानदार है, इसको मनु का शासन लागू करना तो ईमानदारी से कर रही है। आदिवासी में सबसे ज्यादा मार पड़ी है, घर से भी निकाले जा रहे हैं, जमीन छीनी जा रही है, और रोस्टर में तो 500 साल बाद नजर आएगा। तो इसलिए भारत बंद के समर्थन में आया हूं। आप सबसे आग्रह भी है कि अगर आप चाहें तो एक बार फिर जो है 2 अप्रैल के पुनरावृत्ति 5 मार्च को कर दीजिए। 5 मार्च इसलिए डेट है, इसलिए डेट है कि उस दिन रोस्टर आया था 5 मार्च 2018 को। तो इस सरकार ने हमारे आरक्षण की तैरवी की है। आप रोस्टर अब ऑर्डिनेंस लाओ चाहे नहीं लाओ, आपके सरकार की तैरवी कर देंगे साथियों। जय श्री कृष्ण।